लेकिन ये जो बूथ है यहाँ पर वोटिंग हो ही नहीं पाई, एक भी वोट नहीं पड़ा, उसकी वजह क्या है? और अब यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ग्रीन लाइट नहीं जल रही उसको दबाने पर, यानी जब वो वोट पोल करते हैं तो वोट पड़ गया कि नहीं ये उनको पता नहीं चल पा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आकिल रजा। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 13 स्टेट की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें राहुल गांधी की सीट वायनाड भी शामिल है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सीट वायनाड पर ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, वायनाड से खबर यह आ रही है कि वहां पर एक बूथ पर ईवीएम खराब हुई है, जिसके चलते लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे हैं। लोगों की शिकायत है, वीडियो सामने आया है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि ईवीएम में वोट डालने पर पता ही नहीं चल रहा है कि वोट डल भी रहा है या नहीं डल रहा है। यानी वोट डलने के बाद जो लाइट हम और आप देखते हैं, अगर आपने वोट डाला हो तो जो बटन दबाने के बाद बीप की आवाज आती है और उसके बाद एक लाइट जलती है ग्रीन, वो लाइट दिखाई नहीं दे रही है ईवीएम में। यानी पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने जो वोट डाला है कि वो वोट डल भी गया कि नहीं डला है। इसी के चलते लोगों ने शिकायत दर्ज की और वहां पर जो है पोलिंग रोक दिया गया है। तो एक वीडियो भी सामने आया, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए वहां की, जहां पर बताया जा रहा है कि वायनाड से जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पर ईवीएम में खराबी का मामला सामने आया है। वीडियो आप देखिएगा। और अब यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ग्रीन लाइट नहीं जल रही उसको दबाने पर, यानी जब वो वोट पोल करते हैं तो वोट पड़ गया कि नहीं ये उनको पता नहीं चल पा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? अभी हम लोग सुबह से इधर खड़ा है, अभी तक क्या होने मालूम नहीं है। अभी तक उन लोग बोला ग्रीन लाइट नहीं चलता है, वो है वोटिंग नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है, मशीन खराब है। क्या हो गया? दूसरा वोटिंग मशीन भी नहीं है। दूसरा वोटिंग मशीन भी नहीं है? आप लोग कब से खड़े हैं? सुबह में। तो वीडियो आपने देखी, लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी भी वो लाइन में लगे हुए हैं, रुके हुए हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है क्योंकि ईवीएम में खराबी की शिकायत है। आपको बता दें कि इससे पहले जब मॉक पोलिंग हुई थी तो ईवीएम ठीक काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह से पोलिंग की शुरुआत हुई तो वहां पर ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आने लगी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे ईवीएम में खराबी, और वो भी ऐसी सीट पर जहां पर राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है। और यहीं पर सवाल खड़े हो जाते हैं जो विपक्षी खेमे के सवाल करते हैं कि ईवीएम की मदद से प्रधानमंत्री जो है चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जो है वो चुनाव जीतती है, वो उन सवालों को और ज्यादा हवा मिल जाएगी इस तरह की खबर सामने आने के बाद। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी वीवीपैट से लेकर उन सभी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अभी जो व्यवस्था बनी हुई है, चुनाव आयोग जिस व्यवस्था के साथ मतदान करा रहा है वो एकदम सही है, यानी वो अस्वस्थ है इस चीज को लेकर कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और यानी अभी भी जो ईवीएम से वोटिंग हो रही है उसी को रखा है, और जितनी भी बैलेट पेपर को लेकर वीवीपैट को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ये अभी की बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन इसी बीच दूसरे चरण का चुनाव जो है वो देश भर में हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी की सीटें बिहार है, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, अलग अलग राज्यों में राजस्थान में चुनाव हो रहा है। तो दूसरे चरण में भी ईवीएम को लेकर कई जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वायनाड सबसे पहली खबर जो है वो वायनाड से आई है कि वहां पर जो है ईवीएम में खराबी की खबर सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है जो कि सर्वमान्य है, उच्चतम न्यायालय है, मान्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा, लेकिन इसी बीच जो ये खबरें हैं उसको लेकर किस तरह से आगे देखा जाएगा, चुनाव आयोग क्या इन खबरों पर संज्ञान लेगा जो जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको क्या कुछ कहना है वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर और इस तरह से जगह जगह से जो ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।